सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे मैंने पूरे घर में ढींग लगा दी है और मुझे अब गोबर से लीपना है। और यहाँ पे इतने सारे कपड़े धुले हैं मम्मी ने और मम्मी अब नहा रही हैं। और आज है, मतलब कल है हर्षद, उससे एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो आज पूरे घर में साफ़ सफाई चल रही है, पूरा ढींग लगा के पोतना लीपना सब कुछ करना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरे ब्लॉग अब सबको कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने घर के जितने भी बोरा हैं और बाहर बिछाना पड़ता है क्योंकि फ्रेंड्स इतनी बरसात होती है ना, तो कीचड़ उचड़ आता रहता है, तो इसे पोंछ के अंदर आदमी जाता है। और मैं चल रही हूँ भाभी के यहाँ, मुझे जाना है लेने गोबर, लेकिन गोबर भाभी के यहाँ मिला नहीं मुझे। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा इंतजार किया तो कोई गोबर मिल गया था, तो मैंने पूरा ये अपना पीछे जहाँ हम मनाना है मम्मी को पूजना पूजा का सामान, तो यहाँ पे मैंने पूरा लीप दिया है। देखिए ढींग लगा के छुही से, और कितना अच्छा लग रहा है। घर का हो गया है सारा काम और कल है हरछठ, तो इसलिए हमने आज यहाँ पे लीप लिया है और ढींग लगा दिया है। पीछे भी मैंने वीडियो बनाया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं जाती हूँ नहाने, नहा के आपसे मिलती हूँ। और हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनाम का ऑल इन वन में। तो चलिए मैं नहा के आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बनाया है पोहा अपने छोटू के लिए, और यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी सुबह बनाई थी पापा के लिए टिफ़िन, और दाल चावल बन चुके हैं, दूध भी पक चुका है, और मतलब रोटी भी मैंने बना दी। अब दूंगी मम्मी को खाना और मैं भी खाऊंगी खाना। क्यों, आइचे को क्या होता है? आइचे को मैं थोड़ी देर बैठी थी और चुटकी के साथ खेल रही थी और मनु के पास बैठी थी, कुछ बातें कर रही थी। इसके बाद मैं घर आई हूँ वापस। तो पूजा में क्या क्या लगता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी लोग 7 प्रकार का अनाज चढ़ाती हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी लोग क्या क्या अनाज यूज करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मक्का रखा हुआ है, जिनरी है, अरहर, चना, और ये है जवा और गेहूँ। 7 प्रकार के अनाज को चढ़ाती हैं, इनको भूनती हैं, फिर इसके बाद भरती हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है महुआ। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ शाम को फॉल और अस्तर लेने, और मुझे बहुत सारी साड़ियों में फॉल लगानी है तो उसके लिए मैं जा रही थी। तो यहाँ पर आई हूँ मम्मी के लिए चुकड़ी लेने। इसको ये मिट्टी की चुकड़ी बनती हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हर छठ में पूजने के लिए। तो मैं मनु गए थे, लाइट गोल हो गई थी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं मनु इसको लेंगे और वापस आएंगे घर। और हो गई है रात, जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट मॉर्निंग आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे पूजा होती है, कमेंट जरूर करिएगा। फिर इसके बाद मैं वापस आई हूँ घर। तो यहाँ पे भाभी भून रही थी भरता, और ये बहुत टेस्टी भरता बनता है। मम्मी ने अच्छे से खा लिया था, मम्मी और चुटकी और बिट्टू देख रही हैं वीडियो। हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे बिट्टू चुटकी अपने पापा से तुड़वा रही हैं सीता फल। और ये रही मैं, सारा काम करके फुर्सत हो गई हूँ। मम्मी ने टुकनी धुल दी है, ये भी हमारे यहाँ पूजा में यूज होती है। महुआ भी धुल के रख दिया। यहाँ पे मैंने सारी फॉल को भिंगो के फैला दिया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन मैंने सब कुछ कर लिया है। मम्मी नहा चुकी हैं। और सो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आ गई हूँ, मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी। तो मम्मी क्या बना रही है मैं आपके साथ। सो फ्रेंड्स, जो जो पूजा में चढ़ना है तो मम्मी सारा कुछ चूल्हे में बनाएंगी। मैंने गंजी में लगा दी है पोती, क्योंकि उसमें बनेगा महुआ, पकेगा। और मम्मी यहाँ सारा कुछ भून ली है, जो मैंने 7 प्रकार का अनाज बताया था, चना और ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको, तो आपको पता ही है। और यहाँ पे मम्मी सब कुछ भून लेंगी और उसको रखेंगी। और यहाँ पे मैंने महुआ को भिगो दिया है, ये महुआ है, इसको उबालना है अभी अच्छे से धुल के, और इसको भिगो के ऐसे रख देंगे तो फूल जाएगा। यहाँ पे हम कर लेंगे घर की पूजा, मैं मम्मी दोनों। माता thank you।
यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है। मम्मी ने महुआ उबलने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से बॉयल होगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, समथिंग 1 घंटे। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ भाभी के यहाँ कुछ काम से। मिठू 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 बिट्टी बिट्टी दीदी बिट्टी दीदी बिट्टी दीदी बेटी दीदी। और यहाँ पे देखिए मेरा मिट्टू कितना अच्छे से बात करता है। होने लगी है बहुत तेज बारिश, और इतनी तेज बारिश हो रही थी फ्रेंड्स कि लग रहा था कि पूजा ही नहीं कर पाएंगे। काफी तेज पानी गिर रहा था, और अच्छी बात यह है कि काफी दिनों के बाद पानी गिरा है, समथिंग 15 से 20 दिन बाद पानी गिरा। और यहाँ पे मम्मी चुकड़ी को अच्छे से धुलनी है, और उसमें सिंदूर और हल्दी लगाएंगी, और जो टुपरी है इसमें भी सिंदूर हल्दी का घोल बना के सारा इसमें अच्छे से लगा देंगी। जब भरेंगी तब मैं आपसे मिलती हूँ। टिकी जो चुकड़ी है उसमें महुआ भर रही हैं, और सतंजा वो 7 प्रकार का जो अनाज था, और इसके ऊपर से रखेंगी दही। और इस सो फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी ने टुकनी रखी है, उसमें 2 मिट्टी की और 1 शक्कर की चुकड़ी रखी है। उसमें शक्कर वाली में भरा है ड्राई फ्रूट्स, और उस पर मैंने बता ही दिया। इसके ऊपर रखी है 2 पूड़ी, और मम्मी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। मम्मी की साड़ी कैसी लगी कमेंट करेगा। मम्मी यहाँ पे लगा रही है नेल पॉलिश, और ये है आंटी जी की थाली जो हमारे घर आती है पूजा करने, तब ये आई हैं अपनी थाली लेने। और अब पूजा स्टार्ट होने वाली है, और पानी निकल चुका है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से पानी गिरने लगा था, लेकिन मम्मी लोगों ने पूजा कर ली थी। और ये हैं हरछट महारानी, और यहाँ पे ये देखिए, और मम्मी अपनी थाली लेने जा रही हैं अब। कल्लू आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे लिए मैगी बना रहे हैं। शकल तो दिखा दीजिए, आप बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं। अरे वाह वाह।
यहाँ पे मम्मी ने और आंटी जी ने लगाई है गांठ, जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनके नाम से गांठ लगाने से बच्चे हो जाते हैं। और आपके यहाँ ये मान्यता है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हो चुकी है पूजा और अब मम्मी लोग बनाएंगी चाय और मैं आ जाऊँगी भाभी के यहाँ। मम्मी ने मेरे सिंदूर लगा दी और ये मिला है मुझे प्रसाद और ये मैं अब खाऊंगी। और यहाँ पे लग रही है बिट्टू के और लगेगी चुटकी के सिंदूर और यहाँ पे मम्मी पैर पड़ रही हैं, सबसे आशीर्वाद ले रही हैं। फिर आंटी ने भी मुझे प्रसाद दिया है जिसको मैं खाऊंगी और इसके बाद मैं जाऊँगी अब भाभी के यहाँ, क्योंकि भाभी और दीदी पूजा कर रही हैं। तो मैं आपको वहाँ का भी थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दूँगी तो आप देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद आके खाऊँगी प्रसाद और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी भाभी और मेरी दीदी पूजा कैसे करती हैं। तो ये रही मेरी दीदी और भाभी। इतना तेज़ पानी गिर गया फ्रेंड्स कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी और कीचड़ इतना हो गया था और परेशानी तो हो ही गई थी लेकिन पूजा करना ही था फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे ब्लॉग आप सबको कैसे लगते हैं। बाय बाय। Watch it.